नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे सौगात पर सवाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर आए, जहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र को 1812 करोड़ रुपए की 45 योजनाओं की सौगात दी। पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा राजनीति के लिहाज से भी बेहद खास रहा। यूपी में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहली बार आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशीवासियों को रिटर्न गिफ्ट भी दिया। इसके साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी कर दिया। और इसी बीच जिस योजना का प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया वो थी अक्षय पात्र योजना, और अब इस योजना पर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किए जाने पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। सपा के समय छात्रों को पौष्टिक और गर्म आहार के लिए शुरू की गई अक्षय पात्र योजना को भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में बंद कर रखा, मगर अब भाजपा के खिलाफ छात्रों और युवाओं का आक्रोश है, उससे डर कर सरकार मजबूरन इसे फिर से शुरू कर रही है। ये वो ट्वीट है जो अखिलेश जी ने किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। उन्होंने इसी ट्वीट में आगे कहा कि भाजपा सरकार पिछली सपा सरकार के कार्यकाल में प्रस्तावित सभी 11 स्थानों पर इस योजना को शुरू करें, यानी समाजवादी पार्टी इसे अपनी योजना बता रही है और बीजेपी इसे अपनी योजना बता रही है। अब इस पर सियासत किस तरह से हो रही है ये भी आपको सुनवाएंगे। अखिलेश यादव जी अदित के मुगालते में ही अब तक जी रहे हैं। अपने पिताजी के दम पर बनाई गई पार्टी और उसके द्वारा बने हुए मुख्यमंत्री, उसके ही सुनहरे दिनों को बार बार याद करते रहते हैं। जब से पार्टी की कमान उन्होंने संभाली है तब से 4 बड़े चुनावों में समाजवादी पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई है। आत्मचिंतन करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की पराजय क्यों हो रही है, और बार बार अपने पिता के बनाई हुई पार्टी के स्वर्णिम दिनों को याद करके वो अपना भविष्य और वर्तमान खराब कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी से उनसे पूछना चाहेंगे कि जो पहले की परियोजना है उसका क्या रिजल्ट है, वो सिर्फ कागजी दावे हैं या फिर जो है ज़मीनी हकीकत भी उसकी कुछ है, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने जय नमामि गंगा योजना थी उनकी, उस पर क्या हुआ आज तक? माँ गंगा जो है वैसे के वैसे हालात हैं वहाँ पर, और जो घाट हैं, जो वहाँ पर जो जर्जर हालात हैं वहाँ पर, जो ज़मीनों के जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जैसी पहली बरसात में वहाँ के हालात पता चल जाते हैं, जिसको वो कोरिडोर कहा करते थे कि वो वहाँ पर जो बनाएंगे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनका संसदीय क्षेत्र है, ज़रा उस पर भी गौर करना चाहिए। वो बनारस को क्या दे रहे हैं ये बनारस की जनता जान रही बखूबी, जिस तरीके से वहाँ के हालात हैं और जो है पानी जो समस्याओं से अभी तक निपटारा नहीं हो पा रहा है। तो ये नई योजना है और जो परियोजनाएं लाते हैं उसको सिर्फ दिखाने के लिए लाते हैं और जनता को हकीकत से जो है रूबरू नहीं होता। तो वैसे तो ये आरोप नया नहीं है, हर बार की तरह इस बार भी आरोप सपा ने लगाया है कि साहब योजना तो हमारी थी, शुरू आपने कर दी, ये योजना उनकी थी, उसे दोबारा से शुरू किया गया दूसरी पार्टी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, चलिए। लेकिन इसे अब किस तरह से समझा जाए, क्योंकि 2024 के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जहां उन्होंने सौगातें दी और कितना बड़ा आयोजन था, और उसमें देखिए कितनी बड़ी इस योजना की सौगात उन बच्चों को मिली है जिन्हें अब अच्छे से खाना मिलेगा और योजना के तहत काफ़ी लाभ भी मिलेगा। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, अंशु अवस्थी हैं, प्रवक्ता आप कांग्रेस के। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। ओम प्रकाश सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी से, ओम प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुमैया राणा सपा नेता हैं हमारे साथ जुड़ रही हैं, सुमैया राणा आपका भी स्वागत करते हुए। और राघवेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए क्या वाकई सपा को ये लगा कि इस योजना को, या फिर और भी, क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया कि कई और सारी चीज़ें जैसे सपा ने हर बार इलेक्शन टाइमिंग से पहले ये कहा है कि हमने किया, शुरुआत आपने कर दी, प्रोजेक्ट हमारा था, प्रस्तावित हमारा था, बना हमने दिया, उद्घाटन आपने कर दिया, ये भी दोबारा इसी तरह से कुछ मिलता जुलता हुआ ट्वीट था अखिलेश जी का जो सामने आया। कैसे इस कार्यक्रम को देखा जाए और अखिलेश जी जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, और इस योजना को बंद किया गया था दोबारा चालू किया गया, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है?
देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार जो पहले अखिलेश यादव की यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, यह बात सही है कि उस सरकार ने भी कुछ काम किए थे और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका प्रस्ताव पास हो जाता है या थोड़ा बहुत बजट पास हो जाता है या उसकी एक रूपरेखा बना ली जाती है जो आगे की सरकारें उस पे काम करती हैं, क्योंकि वो जनहित का पैसा होता है, जनहित के काम होते हैं, चाहे वो केंद्र की योजना हो और चाहे राज्य की। तो हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी के बाद जब बीजेपी आई तो उसकी जिम्मेदारी थी कि कामों को पूरा कराना। अब बीजेपी उन कामों को जब पूरा करा रही है तो एक इसी विषय पर नहीं, समाजवादी पार्टी तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से कई विषयों पर यह सवाल उठाया गया, ये तो मेरा था। हाँ, आपका जरूर था लेकिन आपने उसको शायद कंप्लीट नहीं किया था। तो कंप्लीट किए हैं तो कंप्लीट करने का तो श्रेय कम से कम सरकार ले रही है और उसको लेना भी चाहिए। अखिलेश यादव ने इसके पहले कहा इकाना स्टेडियम उसको मैंने बनवाया, लोक भवन उसको मैंने बनवाया, रिवर फ्रंट उसको मैंने बनवाया, जो जेपी टावर है उसको मैंने बनवाया, इसके अलावा भी जो लुलू पार्क जिसका भी उद्घाटन हुआ है उसके लिए भी अखिलेश ने कहा था कि जाइए जाइए इसको भी मैंने ही बनवाया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम हैं जिस पर दावा समाजवादी पार्टी करती है कि मैंने इसको करवाया था। फिलहाल सरकार जो है, सरकार वर्तमान में अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है। अभी आप देखिए कि जिस बुंदेलखंड के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को आने वाले हैं, दोबारा इसी अगले हफ्ते में उत्तर प्रदेश, वो सिर्फ रिकॉर्ड तो 3 वर्ष के अंदर वो हाईवे पूरा हो रहा है। अगर पुरानी जो पहले की जो सरकारें रही अगर उनके अंदर प्रतिबद्धता होती तो वो समय रहते अपने काम को पूरा करती और स्वयं उसका शिलान्यास भी करती और उद्घाटन भी करती। क्यों आपने शिलान्यास नहीं किया? क्यों आपने दूसरे सरकारों के लिए उस काम को छोड़ दिया और ऐसे प्रोजेक्ट में आपने हाथ ही क्यों लगाया जो आपके कार्यकाल में पूरा ना हो सके, वो दूसरे कार्यकाल में होते? तो ये श्रेय लेने की चीजें चल रही है लेकिन मेरा मानना यह है कि इस तरह की छोटी मोटी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। एक सरकार आती है, दूसरी जाती है, एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, दूसरे उसको पूरा करते हैं, तो इस पे दावा नहीं करना चाहिए या किसी तरह का इस पे हक नहीं जताना चाहिए। जी ठीक है, सपा से हमारे साथ सुमैया राणा जुड़ी हुई है। सुमैया, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। सुमैया, क्या कहना चाहेंगे आप? राघवेंद्र जी साफ तौर पर बता रहे हैं इस वक्त धरातल पर क्या कुछ स्थितियां हैं और जिस योजना के बारे में, जाहिर है अगर आप उनकी सरकार है तो कल हो सकता है आपकी भी सरकार आ जाए तो आपको भी उनके प्रोजेक्ट पूरे करने पड़ेंगे, फिर वो भी कहेंगे हमारा काम था आपने पूरा किया। इस पूरी पॉलिटिक्स में सिर्फ क्रेडिट लेने का, नाम लेने का ही श्रेय है या इस योजना को अमली जामा पहनाकर जिसका लाभ आप लोगों को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, छात्रों को मिलेगा, उससे भी कोई सरोकार है? देखिए, बड़ा हास्यास्पद बयान है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब का। आप स्टिल हो जाइए। मैं एक बात कहना, मैं ये कह रही हूँ, ये एक आम बात है कि पिछली सरकार का काम आने वाली नई सरकारें पूरा करती हैं, इसमें कोई बहुत अलग बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का 2012 से 17 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उन्होंने वो काम जो समाजवादी कार्यकाल में अधूरे रह गए थे पूरे किए, उतना तो समझ में आता है। लेकिन वो 5 साल में उनका अपना कोई काम ऐसा नहीं था जो वो इस टर्म में पूरा करें। और काम करना और काम की क्वालिटी दो अलग बातें हैं। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो काम पूरे हुए उनकी क्वालिटी को आप देख लीजिए, मसलन एक्सप्रेस वे जो हमने बनाया दिल्ली तक, उस एक्सप्रेस वे को आप देखिए और आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को देखिए कि अगर नारियल तोड़ा जाता है उसके शुभारंभ के लिए तो नारियल तो नहीं सड़क टूट जाती है। तो कुल मिला के काम की क्वालिटी, मेरा सवाल समझिए, अखिलेश जी का जो ट्वीट आपने पढ़ा होगा उसमें उन्होंने यही जिक्र किया है कि योजना हमारे समय पर चालू थी, उसे बंद किया गया, अब दोबारा चालू किया गया, इस तरह का वो ट्वीट कर रहे हैं। योजना अगर चालू हुई है तो उन्हें तो और अच्छा लगना चाहिए, ये क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मची हुई है? बिल्कुल, देखिए हमने तो जब अगर नारा दिया हमारा काम बोलता है तो हमारा काम बोल रहा है। हमारे काम ने सिर्फ हमारी सरकार में नहीं दूसरे की सरकारों में भी हमारा ही काम बोल रहा है, ये एक बड़ी बात है। ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी सपा का काम बोल रहा है। लेकिन बात यहाँ पर ये है साफ बात कि आप एमओयू का एमओयू करें, आप उद्घाटन का उद्घाटन करें, फीता कट चुका है उसका फीता काटें, तो ये इसका मकसद मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपके पास कोई ऐसी योजना नहीं है धरातल पे जिसको आप अपने नाम से, अपने काम से आप पूरा करके दिखाएं, यहाँ पर ऑब्जेक्शन है।
अगर कोई समय हमारी पार्टी से कार्यकाल पूरा होने के बाद जो काम अधूरे बच गए थे वो पूरे करा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये उसका काम है कराना। लेकिन आप किसी भी चीज का पहले से उद्घाटन हो चुका हो उस पर आप अपनी तख्ती लगा के उद्घाटन कर रहे हो। मेट्रो रेलवे में क्या किया उन्होंने सब जानते हैं, यानी जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद अगर उस पर वो फीता काट रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है। मेरी बात है कि वो डबल उस चीज का उद्घाटन कर रहे हैं। नहीं, उद्घाटन क्या, आप ये देखिए कि शपथ लेने तक के लिए मुख्यमंत्री जी को हमारे ही इससे बनाए प्रॉब्लम किस एंगल से है वो समझा दीजिए पहले। ये प्रॉब्लम समाजवादी पार्टी की उपलब्धि है। मैंने आपको एक लाइन में पूरी बात समझा दी कि समाजवादी पार्टी का काम, समाजवादी के कार्यकाल में भी बोल रहा था हमारा काम, और हमारा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी समाजवादी का काम बोलता है और बोल रहा है। और इसको इसको खुद अभी प्रवक्ता जी ने भी आपके सामने बोल दिया कि वो काम जो अधूरे रह गए थे उनको हमने पूरा कराया। जाहिर सी बात है अगर दोबारा हमें मौका मिलता तो यकीनी तौर पर वो हमारे कार्यकाल में पूरा होता। लेकिन काम को शुरुआत दी, ओम प्रकाश जी डालना, तो सपा का ये कहना है कि ना केवल उनके कार्यकाल में उनका काम बोलता था, आपके कार्यकाल में भी उनका ही काम ज्यादा आगे चल रहा है क्योंकि उन्हीं के कामों को तो आप पूरा कर रहे हैं या फिर उनकी योजनाओं को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? की सरकार 12 से 17 में थी, जरूर उन्होंने कुछ काम किया होगा, उत्तर प्रदेश का विकास किया होगा। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ अखिलेश यादव की सरकार नकारा थी या अखिलेश यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश का विकास नहीं किया, तो जो उन्होंने विकास किया वो तो बार बार गाएंगे भी। और इस चुनाव में जब गए और अखिलेश जी जब तक समाजवादी पार्टी की कमान संभाले तब तक लगातार 7 चुनाव हार चुके और बुरी तरीके से हार चुके हैं। और इतना ही नहीं, वो अपने सारे गढ़ भी जलाते चले गए। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि देश के सबसे प्रधानमंत्री ने काशी, वो काशी जहाँ देश के लोग नहीं पूरी दुनिया के लोग काशी को देखने के लिए आते, वो काशी जिसकी विरासत, जिसका धार्मिक स्वरूप, जिसका प्राचीनतम स्वरूप हमारे पुराने ग्रंथों में, वो काशी जो 2014 के पहले उपेक्षित थी तुष्टिकरण लीग के तहत, वो काशी 2014 की काशी के पहले की काशी और 2022 की काशी में जमीन आसमान के अंतर। अब तो हजारों लाखों लोग आते हैं कहते हैं कि चले हम तरह काशी को देख ले। तो जो काशी का विकास हुआ, दो बातें थी, काशी के विकास करते समय उसके ऐतिहासिक प्राचीनतम धरोहर जो उसकी विरासत थी उसको भी मैं जाना था और काशी का विकास भी करना था। मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री अखिलेश जी क्या कहते हैं वो अपना टीचर जाने उस पर बोले। और मैं समझता हूँ कि भारत वर्ष में एक नेता ऐसा पैदा है जो कुछ भी हो पूर्वांचल जो भी रहे हास्यास्पद जनता में अपनी खिल्ली उड़ा रहे कि हमने किया। अरे बधाई देते हैं, किसी की सरकार में हुआ जन कल्याणकारी काम हुआ। बच्चों में इसी बात करते हो, 5-5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट तैयार हो, कहीं नहीं योजना है। समझिए राणा, शांति शांति समझिए राणा, शांति। मुझे मालूम है समाजवादी पार्टी बहुत शांति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पारो भी कभी नहीं कहती कि हमने पटेल का विकास किया, हमने कन्नौज का विकास किया। वो हमारी योजना के तहत जितना विकास हो सकता उसका विकास हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि 300 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष पटेल महोत्सव पर खर्च करते। हम नहीं कह सकते कि 200 करोड़ रुपया प्रति वर्ष हम कब्रिस्तान की दीवार बनाने पर खर्च करते। ओम प्रकाश जी पत्र के साथ कह सकते हैं, ओम प्रकाश जी सुनिए रुपया सुनिए, ये हमको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को 45 योजनाओं की सौगात दिया। अरे प्रभु सुनिए, सवाल सुनिए सर, आवाज मिल रही है आपको? जरा ऑडियो डाउन कीजिए सर, आवाज मिल रही है आपको? ओम प्रकाश जी मुझे, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ओम प्रकाश जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? मैं सवाल ले लूं आपसे, जरा चेक कीजिए उनके पास मेरी ऑडियो नहीं जा रही है, शायद मैं ऑडिबल नहीं हूँ शायद उनके पास। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। राघवेंद्र जी, ये आरोप बार बार तो लगते ही हैं, इसके अलावा योजनाओं को लेकर खासतौर पर जनता को किस चीज़ से फायदा हो रहा है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, काशी को योजना आई थी उनका संसदीय क्षेत्र, अब तैयारी 2024 की हो, उसके आगे 24 के बाद की हो, 29 की हो, लेकिन जनता को अगर इन योजनाओं से, इन बातों से फायदा होता है जो काम बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं, तो उसमें किसी तरह की दिक्कत क्या होनी चाहिए, या फिर ये बताना चाहिए कि ये तो हमने पहले किया था, अब दोबारा ये कर रहे हैं इसीलिए आपको फायदा मिल रहा है। ये तर्क समझ में नहीं आ रहा। योजनाएं हैं, योजनाओं से जनता को फायदा मिल रहा है, उन योजनाओं में अगर कोई कमी हो तो वो बताइए, या वो योजनाएं नहीं जनता तक पहुंच रही उसके बारे में बात होनी चाहिए। अब देखिए, देश के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अलग अलग लोकसभाओं से चुनाव लड़ते हैं, जिसमें अभी आजमगढ़ से कुछ दिन पहले तक मुलायम सिंह यादव थे, उसके बाद अखिलेश यादव थे, आप अमेठी से देख लीजिए तो राहुल गांधी थे, फिलहाल इस समय स्मृति ईरानी है, आप रायबरेली देख लीजिए सोनिया गांधी, ऐसे तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं जो अलग अलग लोकसभा सीटों से लड़ते हैं, तो आप ऐसे बड़े नेताओं का विजन देखिए, क्या वो अपने लोकसभा में कुछ ऐसा काम किए हैं जिसके लिए वो जाने जाएं, जिसके लिए उनको जनता कहे कि हाँ ये यूनिक है, ये आपने करके दिखाया, अगर आपको आपको अगर और बड़ी जिम्मेदारी मिले इस तरह से आप उसको और बढ़ा सकते हैं। देखिए, गुजरात के हैं प्रधानमंत्री, उनका जो मूल स्टेट है गुजरात है, फिर भी उन्होंने वाराणसी को चुना, प्रधानमंत्री बने, लेकिन लगातार उनका अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, दौरा हो रहा है, जितनी बार आते हैं वहां पे बहुत सारी योजनाओं को देते हैं, इसी बार आए हैं तो 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की उन्होंने सौगातें दी हैं, तो निश्चित तौर से इससे उनके कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से, बनारस के लोगों का भला होगा, जो बनारस में तमाम लोग जो दूर पूरे देश भर के लोग आते हैं, दुनिया के कई देशों से लोग आते हैं, उनको वो देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा किस तरह से वहां सड़कें चौड़ी हुई हैं, एयरपोर्ट का विकास फिर से अच्छे सिरे से हुआ है, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, अच्छे अच्छे कन्वेंशन सेंटर वहां पे रुद्राक्ष जैसे बनाए गए हैं, इंटरनेशनल पार्किंग बनाई गई है, और भी बहुत सारी चीजें बनाई गई जिससे कि वाराणसी का जो रूप रंग है वो चेंज हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि जो बनारस का जो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वो उसमें किस तरह से बदलाव हुआ, वो किस तरह से बदलाव की जनता जो श्रद्धालु आएंगे सीधा वो दर्शन करने के बाद गंगा स्नान कर सकते हैं, तो इस तरह का जो उन्होंने अपने एक कंस्टिट्यूएंसी में, अपने एक लोकसभा में जो एक बड़ा बदलाव किया है, ऐसे सभी बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि जिस जगह से हम सांसद हैं, क्या हम ऐसी बात ऐसी चीजों को कर रहे हैं, क्या अपने लोकसभा के लिए हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे हैं, क्योंकि जो पैसे लग रहे हैं कहीं कहीं जब वो सत्ता में थी उनके पास इतनी पावर थी, वो भी उस पैसे को अपने कंस्टिट्यूएंसी में लगा सकते थे, इसका तुलना जरूर करना चाहिए, इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप एक अलग विषय, मैं देख रहा हूं कभी कभी जब हम पत्रकार लोग अपने विषय को रखते हैं तो कई दलों के ऐसे लोग होते हैं जो सीधा सीधा आरोप लगाते, कोई कहता है ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कोई कहते हैं सरकार के प्रवक्ता हैं, तमाम ऐसी बातें निकलती हैं। अभी कुछ दिन पहले भी इस तरह की चीजें कही गई थी, पत्रकार जो है जो देख रहा है, जो समझ रहा है, जो अपनी निष्पक्ष बात रख रहा है, उसमें भी आप लोगों को सवाल उसमें दिख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो 12 से 17 के बीच जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यकाल रहा उसमें क्या क्या हुआ और सरकार उसको कैसे बढ़ा रही है, वह भी चीजें आपको बुरी लग रही है। मतलब मैं स्वयं बता रहा हूँ कि अखिलेश ने क्या किया, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता, ठीक है वो आपको मुबारक हो, आपको आपकी इन दिनों ये हो रहा है आजकल, खैर लेकिन उस पर ना जाते हुए, जो अभी राघवेंद्र जी ने कहा कि पहले जो आपके काम थे उनको अब और बीजेपी आगे बढ़ा रही है, कहें सुमैया? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि हमारे शुरू किए हुए कामों को भारतीय जनता पार्टी बड़ी लगन के साथ आगे बढ़ाएगी और उसी क्वालिटी के साथ पूरा करेगी जिस क्वालिटी के साथ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जो काम पूरे कर दिए थे। और सड़क पे अगर नारियल तोड़ा जाए तो नारियल ही टूटे, हम उम्मीद करते हैं सड़क ना टूटे उसके लिए, ये इस बात की तो उम्मीद बहुत ज्यादा रखते हैं। ओम प्रकाश जी, बार बार सुमैया जी कह रही हैं सड़क फूट गई, नारियल नहीं फूटा, ऐसा आपने क्वालिटी दिया कि ये सब बाहर आ गया निकल के कि क्या घोटाला हो रहा है, क्या जो गुणवत्ताहीन सामग्री उसका उपयोग हो रहा है, ये सर अगर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं तो उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। काम करना अच्छी बात है, काम कीजिए, हम तो हर काम की तारीफ करते हैं, चाहे वो सपा करे चाहे वो बीजेपी करे, लेकिन काम की क्वालिटी पर भी सवाल उठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आए, वाराणसी को सौगातें दी, योजनाएं आई, उन योजनाओं का फायदा, वही मैं अभी राघवेंद्र जी से भी कह रही थी कि योजनाएं
उनका फायदा जनता तक कितना पहुंच रहा है, उनसे जनता लाभान्वित हो रही है, हितग्राहियों को, पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है लाभ, नहीं मिल रहा है। तमाम योजनाएं आए उनका तहे दिल से स्वागत जनता भी करती है, लेकिन उसमें घोटाला ना हो सर, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी तो फिर, नहीं तो विपक्ष को मिल जाता है मुद्दा। ये नारियल कहाँ फोड़े अब बताइए। ओम प्रकाश जी को आवाज मिल रही है क्या हमारी? हाँ मिल रही है पारुल जी। कहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, काम पर नहीं उठ रहे हैं। विवेक में कोई कोई जुमला नहीं है, प्रकाशन की तरफ बजना चाहिए। वो चौधरी राणा जी पता लग रहा है कि उनका पूरे विवेक में एक जो है वो बज रहा है प्रकाशन, खैर ये उनको भगवान। मैं दो बात कहना चाहूँ, देखिए राजेंद्र जी ने एक पत्रकार की हैसियत से बहुत ही स्पष्ट रूप से और जो हकीकत थी उसका बयान, उसके लिए बधाई। मैं केवल दो बात पारुल जी कहना चाहता हूँ, काशी के बारे में बोलने के पहले हर व्यक्ति को काशी में जा करके बाबा विश्वनाथ का मत्था टेकना चाहिए और काशी को देखना। जो 2014 के पहले काशी देखे थे वो अगर घर बैठे काशी की कल्पना करे तो वो उनके समझ में बात नहीं है। काशी की कल्पना, काशी में आए बदलाव पर तो ये डिबेट है ही नहीं ना सर, ये डिबेट है कि योजना जो जो जिस योजना को लेकर बात की जा रही है अक्षय पात्र, उस योजना को क्या पहले बंद किया गया था? ईमानदारी से बता दीजिए, जो बार बार अखिलेश जी का ट्वीट जो सामने आया उस पर अब ये चर्चा हो रही है, ये बताइए अक्षय पात्र योजना जिसे अखिलेश जी ने कहा कि हमने शुरू की थी उसे आपने बंद कर दिया और अब दोबारा शुरू कर रहे हैं, इस पर टिप्पणी नहीं की अभी तक आपने, तो बंद की थी क्या? नहीं, उसकी टिप्पणी को आप अखिलेश से पूछिए, मैंने बताया ना उनके इस टिप्पणी पर बच्चे भी खिलने लाते हैं, उनके इस टिप्पणी पर बच्चे भी खिलने लाते हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सवाल का जवाब दे रहा भाई, बधाई और कन्नौज में कौन परिवार था, कितना विकास किया? रामपुर में कौन परिवार था, कितना विकास किया? अमेठी में कौन परिवार था? तो अब समय थोड़ा कम है, 30-30 सेकंड की टिप्पणी ले लेती हूँ। राघवेंद्र जी, इस योजना को लेकर जो जिक्र ट्विटर के जरिए अखिलेश जी ने कहा है कि उनके समय की योजना उसे बंद किया गया, दोबारा सुचारू रूप से अब चलाया जा रहा है, इसमें कितनी सत्यता है? क्या वाकई इस योजना को उत्तर प्रदेश में जनता उससे लाभान्वित हो रही थी? रुक जाइए ओम प्रकाश जी, राघवेंद्र जी का ऑडियो दीजिए। कई विषयों पर समाजवादी पार्टी ने ये सवाल उठाया है और उस पर अधिकार जताया है कि ये तो मेरी योजना थी। जहां तक सरकार की टिप्पणी आई है कि ऐसी कोई योजना आपकी नहीं थी, इसको नए सिरे से यही हमारी ही सरकार उसको ला रही है, ऐसा सरकार का कहना है। तो ये जो योजना जो प्रधानमंत्री ने जो सौगात दी है, ये एक बहुत बड़ी पहल है, बनारस के आम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसको नए सिरे से बीजेपी इसको पूरा कर रही है और इससे काफी लोग लाभान्वित होंगे। ये कहना कि ये इसको मैंने शुरू किया था और ऐसा था, कि सरकार का खुद ही पूरा ये बयान अभी कल तक आपको आ जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, उनके दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कई ऐसी दावे उन्होंने किए हैं जिससे बीजेपी ने आपत्ति जताई है और उसको नकार दिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दावे, वादे और आपत्तियां और उसके बाद योजनाएं, उन योजनाओं का धरातल पर आना, जनता को उसका फायदा मिलना, और जब बात होती है किसी प्रोजेक्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होने की तो उस पर विपक्षी पार्टियां वर्तमान सरकारों पर आरोप लगाती हैं कि उनके समय का था या उन्होंने शुरू किया था, अब इसको आप पूरा होता हुआ देख रहे हैं। जनता या जनार्दन, जीत तभी मिलती है ना जब आप उस रिबन के को टच करके बाहर निकल जाते हैं, और प्रोजेक्ट तभी पूरा होता है जब उसका उद्घाटन हो जाए और जनता तक वो पहुंच जाए। तो इसलिए अब इस तरह की लड़ाई हो रही है और अब ये सियासी लड़ाई है साहब, न जाने कहां तक पहुंचेगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे और अपने संसदीय क्षेत्र में 45 योजनाओं की सौगात जनता को सुपुर्द की और उसमें थी अक्षय पात्र योजना जिसको लेकर हुआ विवाद। हालांकि इसको लेकर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी विपक्षी पार्टी की, जब वो सत्ता में थे तब कोई ऐसी योजना नहीं थी, ये केंद्र की योजना है जिसे वाराणसी में होता हुआ पूरा आप देख रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।